miss a moment of the action. Catch PSL 9 live on eSports. इस बदतमीज घमंडी शख्स से कोई रिश्ता नहीं करता। ज़बान सवाल की बात करो, मैं पता नहीं कहाँ खड़े हो तुम। देख ले, मैं पढ़े तो पढ़े, इनके छोटों को बात करने की तमीज नहीं है। अरे तेरी मजाक कैसे हुई आदमी को, मैंने घर बुलाने की। पापा कोई गलत फहमी हुई होगी ना, एक दफा बात तो करके देख लेते। अरे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मोहब्बत तो एहसास होता है बेटा एक, लेकिन जब इसमें जिंदगी की हकीकत शामिल होती है ना, कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। तुम उससे मिलने बिल्कुल नहीं जाओगी। क्या शाहजहान, लेकिन तुम... लेकिन लेकिन कुछ नहीं, सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम उससे मिलने नहीं जाओगी। वो अम्मा, यार हेल्प चाहिए तुम्हारी बिल्लू। क्या हुआ? तुम्हारा फोन यूज करना है, फरहाद से बात करनी है। मैं अभी आपकी मम्मी है भाई, मुझे पता है, यही तो बताना है ना उसे। देखिए आप ही, किसी को पता चल गया ना, क्या हमें टूट पड़ेगी हम पर। नहीं, मैं सिर्फ उसे ये बताना चाहती हूँ, उतना तो हक है ना यार बिल्लू उसका। आप ही पहले वादा करो कि बीच मंगनी के अंदर शाहरुख खान बनकर तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि मैं ये रिस्क नहीं ले सकता भाई। नहीं, मैं सिर्फ उसे ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं किसी और के नाम की अंगूठी पहनने वाली हूँ, तो इंतजार ना करें मेरा। दो अब फोन। थैंक यू, अभी जल्दी कर लो, खान उतार देंगे वरना। शेरो, उसका रिप्लाई आया तो जल्दी बताना, देखते रहना। नहीं, क्या हो गया भाई? जो रुफिया की मंगनी हो रही है, ये तो होना ही था। वे क्या कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगी वो किसी और की। हाँ तो क्या करेगा, अब घर घुस जाएगा उसके, मंगनी तोड़वाएगा उसकी हीरो बनके, ताकि और उसकी फैमिली जलील हो। ओ भाई, अब क्या ना, सीधा गोली मार देंगे तुझे। तो और क्या करूं, तमाशा देखता रहूं? तू मैसेज तो देख यार, वो ये नहीं कह रही कि आके मुझे बचाओ, वो ये कह रही है मेरा इंतजार मत करो। वो ये लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहती, जानी समझो थोड़ी बात को। श्रीयू मेरी मोहब्बत को आजमा रही है, मैं बता रहा हूँ तुझे, मेरी मोहब्बत आजमा रही है। यार बस कर दे यार, अब वो खुद बोले ना कि फरहाद आओ मुझे बचाओ प्लीज, फिर समझ आता है, फिर मैं भी जाऊँगा तेरे साथ। यार वो कितनी मुश्किल में है बेचारी, कजन के नंबर से मैसेज किया उसने, और उसकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है,
बात करनी है मुझे उससे खुद। वह नहीं कर यार फरहाद। क्या जवाब? बस कर दे यार फरहाद, बस मूव ऑन कर, छोड़ दे सब। कहाँ जा रहा है वे फरहाद? तुम्हारी मम्मी बुला रही है, कह रही है कि जारा की शादी वाले कुर्तों में से कोई कुर्ता पहनना है। कौन सा कलर पहनोगे? ये किसका फोन आ रहा है? रॉन्ग नंबर है यार, पता नहीं सुबह से फ़ोन कर रहे हैं। खैर अच्छा, आज कौन सा कलर पहनोगे? वाइट। वाइट नहीं, ब्लू। पर गंजे पूछ क्यों रहा है? तू वाली शक्ल जो देखनी होती है। तबीयत कैसी है? बस ऐसी थोड़ी कमजोरी है। वो मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, मैं पकवान का चक्कर लगाऊंगा। आज घर पे आराम करने कोई है वहां देखने वाला? सारे तो छोड़ के चले गए। शमशाद और लड़के हैं ना, उनका काम नहीं है। एक वही पकवान मुझे अपनी जगह लगता है, अपना अपना से लगता है। थोड़ी देर लेट के चला जाऊंगा। मैं जानती हूँ आपको भी उसकी याद आ रही है। आप बड़े माफ कर देना उसे। किस बात की माफी है? माफ तो उसे किया जाता है ना, जो माफी मांगे जिसे एहसास हो। मांगी उसने कोई माफी? चलो जाओ, एक घंटे बाद उठा दे रहे मुझे। जाओ जी, जी। वेट करो, मैं देख के आ रही हूँ लड़के वाले आए हैं। हेलो, मैसेज का रिप्लाई आया। बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो,
नहीं आया। तुमने ठीक से देखा? कौन आई? नहीं। चलो बेटा, आ गए वो लोग। बिल्कुल ठीक कर सकती हौसला। हम इसे नहीं जा सकते नीचे, चलो जल्दी से। ओ, तुम्हारे कचरे तो मैं कमरे में बोल आई हूँ। अच्छा सुनो, बिल्लू तुम माफी को लेके नीचे आओ, मैं तुम्हारे कचरे लेके आ रही हूँ। और जल्दी ठीक से देखा था ना, फोन साइलेंट पे तो नहीं था? नहीं। लग रही हाँ, भाभी रस्म शुरू करें बेटा, पहनाओ अंगूठी। पहनाओ ना बेटा अंगूठी। या बेटा हाथ आगे करो। बेटा अंगूठी पहनाओ। अरे बेटा पहना दो, शर्मा रही है, हमारी बेटियां ऐसे ही शर्माती हैं। हेलो,
ठीक है। मुबारक हो। आपको भी मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो इस साहब आपको भी। अब वो रमान भाई, अगर आप माइंड नहीं करें, मेरा मतलब आपको इतराज नहीं हो, तो मैं चाहूंगा कि निकाह और रुख्सती भी हम लोग फौरन कर दें। मतलब तैयारी की फिक्र नहीं करें आप, समझ नहीं, लंबी लंबी बंगियों के हक में नहीं। अरे सर, आपने तो हमारी मुंह की बात ही छीन ली। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस फरिया बेटी हमारे घर की रौनक बन जाए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और इन लंबे चौड़े झमेलों में ना हमें भी पढ़ने का कोई शौक नहीं। ये तो बहुत ही अच्छी बात की आपने। बस दो हफ्ते बाद समीर अमेरिका वापस जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले रसम अदा कर दी जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो प्रिया, बिलाल बात कर रहा हूँ। क्या कैसी? बिल्कुल ठीक नहीं है। आज उनकी मंगनी हो गई, लेकिन उन्होंने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया। भाई बिल्कुल खुश नहीं है उस रिश्ते से। मैंने उन्हें नहीं बताया कि तुमने फोन किया था। भाई घर में बहुत टेंस सिचुएशन है। मैं नहीं जानता मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैं उनको साथ में नहीं देख सकता। मैं से बात कर सकता हूँ? बात नहीं, क्या हो गया? अगर किसी ने उनको इस वक्त फोन पे देख लिया ना, जानवत आ जाएगी भाई। मैं देखता हूँ, कल मौका मिला तो बात करा दूंगा, ठीक है? सॉरी यार, मुझे नहीं पता तुम्हें इस फोन से कोई फर्क पड़ा या नहीं, लेकिन मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। साकिब भाई वो लड़का फरिया बाजी के रूम में गया है। वो मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। मैं पागल हो गए हो? बाहरी तमाशा लगा हुआ है फरहाद, हम नहीं निकल सकते अभी। अब वो सब मैं संभालूंगा। मेरा भाई तो मैं जान से मार देगा। आसिफ, रेहान,
तुम आ गए। सनाता, चेहरा बता रहे तुम कैसी हो? हाथ पकड़ बर्दाश्त नहीं हुई, मुझे लगा कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी अपने पापा के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पा रही। मुझे जब भी ख्याल आता है कि तुम्हारे अलावा किसी और के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, मेरा सांस रुकने लगता है। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता प्रिया, पर आज मुझसे नहीं हो पा रहा, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। सिर्फ एक बार कह तो मुझे यहां से ले जाओ, बाइक और कोई माइक का लानी मुझे रोक सकेगा। अरे रह लेंगे कहीं भी, लेंगे कुछ भी, तुम्हें खुश रखी फ्रिया। सिर्फ मेरे पास देने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारी बहुत टेक केयर करूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। पर कह दो मुझे यहां से ले जाओ फरहान। मुझे यहां से ले जाओ फरहान, कुछ अपने साथ ले जाओ। रखो अपने पास, कुछ अरेंजमेंट करता हूं, तब तक मेरे फोन का इंतजार करता, फिर मैं वापस आऊंगा। आई लव यू फरहान। तुम यहाँ कैसे आ रहे हो? सामान पैक करो, अभी निकलेंगे। अभी? अरे हाँ अभी। तनवीर, ये तक क्या हुआ? साकी भाई वो लड़का परियाबादी के रूम में गया है। वो मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। मैं पागल हो गए हो? बाहरी तमाशा लगा हुआ है फरहाद, हम नहीं निकल सकते अभी। अब वो सब मैं संभालूंगा, मेरा भाई तो हमें जान से मार देगा। आसिफ, रेहान, ये कहां तुम लोग मर गए सबके सब? अरे यार मेरे होते में तुम्हें कुछ नहीं देगा, तुम अपना सामान पैक करो वो भी जाएंगे। तुमने कहा था ना तुमने मेरे साथ जाना है। हाँ मैंने सपना, लेकिन हम ऐसे कोई फैसला नहीं ले सकते, हम जज्बाती पन में कोई बेवकूफाना फैसला नहीं लेंगे। अरे घर में कोई घुस गया, जाके घर का कोना कोना चेक कर जाके। अरे क्या हुआ, शोर क्यों मचाया हुआ है? घर में कोई घुस गया, चौकीदार कह रहा है कि फरिया के कमरे के पास किसी को देखा उसने। फरहाद बेटा देखो, प्लीज मेरी बात मानो, अभी यहाँ से चले जाओ। अरे मेरी बच्ची जल्दी आओ। या तो कोई भी नहीं है। परिया हाँ? बारिश का शोर हो रहा है, तुमको आवाज नहीं आ रही है? नहीं मैं गहरी नींद में थी। पूरा घर छान लिया, कोई भी नहीं है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ ठीक है बेटा, कोई घर में कूदा है ऐसा लगा हमको। हाँ? अभी सब ठीक है, तुम सो जाओ आराम से। बिना वजह तुमने शोर किया रूबरू, चलो। कड़ी नजर रखी हुई हमने इस घर के कोने कोने पे। पागल है तो शेर के मुंह में हाथ देने चला गया। तूने मुझे खुद कहा था कि अगर वो अपने मुंह से कहेगी तो मेरा साथ देगा, अब कह दिया उसने। तो वो मैंने कहा था, अब मुझे क्या बताओ यार, वो सच में हाँ बोल देगी। और तुम पागल है, रोमियो घर घुस गया उसके। नहीं मेरी बात सुन भाई, ये रोमियो जूलियट का ना एंड अच्छा नहीं होता, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है? वो शेक्सपियर वाला रोमियो जूलियट था, ये पर्ल्स रोड वाला है। तभी तो कह रहा हूँ ये ज्यादा खतरनाक है,
और वो तुम्हारा शेक्सपियर भी खराचेगा होता ना तो ये दाई दू दी दू वाला लव नहीं लिखता। इधर तो वो होता है ए फुलझड़ी किधर को चली, उनके तो विलन भी इतने सोफिस्टिकेटेड होते हैं। यहाँ तो भाई घोड़ा दबाते हैं, बंदा जमीन में गाड़ते। तो मैं क्या हाथ में हाथ रख के बैठा रहूंगा, जवाब देना आता है मुझे। अब मैंने कभी से फुलझड़ी नहीं कहा, समझा? ए भाई समझने की कोशिश कर, मत कर, सब गंदा हो जाएगा यार। ये जो भी हो रहा है ये ठीक हो रहा है? उसके माँ बाप उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं और हम अपने माँ बाप के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दे? अम्मा बाप की शादी तो घर वालों की मर्जी से हुई थी ना, अब देख ले उनका हाल, जबान तक नहीं खुलती अम्मा की अब्बा के सामने। आज तक डिप्रेशन की मरीज हो गई है लेकिन मानना नहीं है। अरे अब्बा, आज तक मैंने उनको माँ से एक लफ्ज मोहब्बत का कहते नहीं देखा। सुने किसी और से मोहब्बत करते थे लेकिन शादी अम्मा से करनी पड़ गई तो बस अब निभा रहे हैं। ओ भाई नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। जब देखो हमारे जमाने में ये होता था, हमारे जमाने में वो होता था। ओ भाई भाड़ में गया आपका जमाना, अब हमारा जमाना, जीने दे हमें, सांस लेने दे। नहीं ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, शादी नहीं चलेगी फिर? हाय हाय शादी नहीं चली, सारी जिंदगी का रोग लग गया, और अगर चल गई तो हाय हाय घर वालों को रोक देंगे, क्या करेंगे, कीड़े पड़ेंगे कीड़े, इधर खाई है तो उधर कुआं है। तो भाई अगर हर हाल में डूबना ही है तो अपनी मर्जी से तो कूदने दो। छोटो काश तेरे पास भी और रास्ता होता। कि नहीं है यार, मैं उसे इस आंध में नहीं देख सकता। अगर उसने अपनी किस्मत कबूल कर ली होती तो खुदा की कसम में उसकी जिंदगी से चला जाता, हमेशा के लिए चला जाता। सबकी बर्दाश्त कर पाएगी यार? एक बार अगर ठीक भी चाहिए आने मुझे यहां से ले जाओ, तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा उसके लिए। देख अगर तुझे इस समय नहीं पढ़ना तो ना पढ़। मुझे रोकना मत। सही है, तैयारी करता हूँ फिर मैं। ऐसा कभी हुआ है तुझे मैंने अकेला छोड़ा हो? भाई तू रेडी है ना तो हम भी रेडी है। We'll be right back.
थैंक यू। मुझे लगता है कि फरिया ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया है, वरना मैं तो बहुत डर रही थी कि पता नहीं ऐन वक्त पर कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। हम लोग ठीक तो कर रहे हैं ना? क्या मतलब है आपका? उसका दर्द उसकी आंखों से दिखाई पड़ रहा है मेरे को। बचपना है उसका, एक बार शादी हो जाएगी ना तो आप देखिएगा वो खुद ही पहचान लेगी कि उसके माँ बाप ने उसके लिए बिल्कुल सही फैसला किया है। दीपोध, मेरी तरह शादी के बाद भी अगर जिद पड़ी रही तो फिर? तो फिर उसका ससुराल उसका दिमाग ठीक करेगा। अगर ससुराल वालों ने ऊंची आवाज में भी बात की ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होएगा। मैं जानती हूँ फरिया आपकी कमजोरी है, बहुत प्यार करते हैं आप उससे, लेकिन दिल मजबूत करना होगा ना। अब इस तरह की बातें आप उसके सामने मत कीजिएगा, वरना चार दिन के बाद ना हमारी चौखट पर आकर खड़ी हो जाएगी सिर्फ इस बात पर कि उसकी मर्जी को ऑमलेट नहीं बना था। तो खाना मर्जी का नहीं बनेगा तो मूड तो ऑफ होएगा ना। बहुत याद आएगी फरिया की, लेकिन माँ बाप है, हमें तो दिल बड़ा करना ही है। बस आप दुआ करें कि अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। हामिद, हामिद, मौला मेरे बच्ची का नसीब अच्छा करे। थोड़ी चीनी तो डालनी थी चाय में। आपकी शुगर वैसे ही बढ़ी हुई है, चीनी नहीं मिलेगी, ऐसे ही पिए, आदत डालें अब। अभी फरिया तो डाल लेती ना चीनी। आप फ्री बात करनी थी। हाँ क्या हुआ है, आओ बैठो। क्या बात है? तबीयत ठीक है? हम आप भी हो? अभी मैंने आपसे एक झूठ बोला था। आपको याद है आपने मुझे कहा था कि उस फरहाद का मैसेज आया तो मुझे बताना। आप ही फरहाद की कॉल आई थी, लेकिन मैंने मैसेज किया कि दोबारा कॉल नहीं करना। आप ही अल्लाह की कसम में डर गया था। आप ही मैं मंगनी वाले दिन से देख रहा हूँ, आप खुश नहीं है ना। इस घर की तो रौनक ही आपसे, आप ही आपकी मुस्कुराहट ही गायब हो गई, ये ठीक नहीं है। आप ही तब परेशान ना हो, तुम ना सोचो साहिब। मैंने फरहाद को कहा था कि जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं आपके उससे बात करूंगा। आप ये बात करेंगे ना प्लीज? मैंने कहा ना छोड़ो तुम इन सारी बातों को। अच्छा सुनो, अभी आने वाले दिनों में बहुत कुछ होगा, एक प्रॉमिस करोगे मुझसे? जी अभी प्रॉमिस पक्का। चाहे कुछ भी हो जाए तुमने अपने आप ही को गलत नहीं समझना बस। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपकी आप तो सबसे अच्छी हैं। देखें आप इससे अच्छी लगती हैं। आप हमें सैड देनी थी। आपकी एक बात बताऊं, किसी को बताएंगी फिर? अभी फौरन जाके बताती हूँ। अच्छा हाँ बता कर बोलो क्या हुआ है। आप भी ना मेरी क्लास में ना एक ना लड़की है, वो मुझे पसंद है, लेकिन एक मसला है आपकी वो मेम्बर नहीं है। ये लोग भी मेरे से शादी नहीं कराएंगे। ज़ारा की शादी तुम्हारे जम के लिए बहाना था? हाँ ये सारी जद्दोजहद तुम उस लड़की के लिए कर रहे हो? आप मुझे एक बात तो बताएं, किसी को पसंद करने से पहले ये उसका बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, जायदाद, गोल्ड, बैकग्राउंड का, ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? प्यार में इतना हिसाब किताब नहीं देखा जाता, ठीक है, लेकिन ये टाइम आपका ये सारी बातें सोचने का नहीं है।
अभी तुम्हारे पास बहुत जिंदगी पड़ी है ये सब कुछ सोचने के लिए, अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम्हें कभी अपनी आप की जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ी होंगी, ठीक है? पक्का पक्का, डील डन। I see. बस अभी करने की जरूरत नहीं है जन, अर्शी क्यों? हेलो, हेलो प्रिया, सुनो सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, तुम्हें किसी चीज की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? तुम डबल माइंडेड हो रही हो। नहीं, मुझे बस डर लग रहा है कि हमारी फैमिली हमें माफ कर देंगी। कब तक नाराज रहेंगे, आखिर एक ना एक दिन समझ ही जाएंगे कि हमने ये कदम क्यों उठाया। क्या वाकई या तो हम खुद खुश रह सकते हैं या दूसरों को खुश रख सकते हैं। अगर अपना सोचूंगी तो खुद घर से ही है, अगर इनकी बात मानूंगी तो मेरी मोहब्बत और खुशियों की कुर्बानी है। देखो, मैं तुम्हें किसी बात के लिए फोर्स नहीं करना चाहता, अगर तुम आज भी अपना फैसला बदल देती हो तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। मैं जानता हूँ एक मुश्किल फैसला है, तुम्हें थोड़ा और वक्त चाहिए तुम ले सकती हो। मेरा साथ तो नहीं छोड़ दोगे ना? आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मुझे अपने फैसले पे कोई डाउट नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक छोटी सी दुनिया बसाना चाहता हूँ, तुम्ही मेरी वाइफ, तुम्ही दोस्त, तुम्ही मेरा सब कुछ। तुम साथ होगी ना, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सही वक्त आने पे फैमिली को भी बना लेंगे, प्रॉमिस। अच्छा, मैं रखता हूं, इन टच रहूंगा, हाफिज। Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.